बहलोल का नाम आपने सुना होगा। ये मशहूर मजाजीब में से ये मजजूब गुजरा है। दरियाए दजला के किनारे अक्सर घूमता रहता था और इसकी अदाएं निराली थी। मजजूबों के रंग अपने होते हैं। सादिया नज़दीक राय आशकां, खल्क मजनू नंदो मजनू आके लस्त। तो लोग इन्हें बेवकूफ़ कहती है, लेकिन अहले अकल और अहले तसव्वुफ इन्हें दाना कहते हैं। इसलिए बहलोल दीवाना कहा जाता था, लेकिन बहलोल दाना कहते हैं अहले खिरत। कि असल हकीकी अकल तो इनके पास हैं जो दरे महबूब तक पहुंच गए। रासुल हिकमा ते मुखाफतुल्ला, हिकमत और दानाई का सर चश्मा अल्लाह का खौफ है। तो जिसको अल्लाह का खौफ जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा दाना होगा। तो ये लोग इसी रास्ते के मुसाफिर होते हैं और किसी तजल्ला के वफूर से शीशा अकल टूट जाता है तो फिर इनकी कुछ हरकतें गैर मुरत्तब हो जाती हैं। तो लोग समझते हैं ये दीवाने हो गए हैं। असल तजल्लियात के वफूर से उनके होश टिकाने नहीं रहे, लेकिन उनके दिल पर वही तजल्लियात मुनाकिस होती रहती हैं तो इन्हें दीवाने कह दिया जाता है। लेकिन हकीकत में ये दाना होते हैं। इनके अंदर की दुनिया मुरत्तब होती है, लेकिन बाहर की दुनिया गैर मुरत्तब होती है। उठने बैठने का कभी पता नहीं होता। खा लिया तो ले लिया, नहीं खाया तो दो दो दिन गुजर गए। पहनने को कुछ मुयस्सर आ गया तो ठीक है, ना मुयस्सर आया तो कई कई दिन गुजर गए। तो इनको अपने जाहिर का ख्याल नहीं होता। इनकी नज़र मुशाहदाए जमाल पे होती है और फिर ये दुनिया से और अपने आप से भी बेगाने हो जाते हैं और लोग इन्हें दीवाना कह के पुकारते हैं। हारून रशीद गया ना कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो वहां बहलोल बैठा हुआ था। ये मशहूर मजाजीब में से मजजूब उसको कहते हैं कि तजल्लियात के वफूर से जिसका शीशा अकल टूट जाए उसको मजजूब कहते हैं। और लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन असल में तो अकलमंद ये हैं। तो बहलोल बैठा था कब्रिस्तान में तो हारून रशीद गुजरा तो बहलोल ने तवज्जो ना दी। तो हारून रशीद ने चाहा कि मैं इसको दिखाऊं कि मैं महल क्या होते हैं, तख्त और ताज क्या होते हैं। उसने दावत दी, बहलोल आओ ना जरा बगदाद में, शहर की रौनकें देखो, मोहल्लात की जिंदगी देखो। तो हजरत बहलोल ने जो जवाब दिया बड़ा खूबसूरत था। कहा, शहर वाले सारे इधर आ रहे हैं, मैं शहर क्या लेने जाऊं? तुम मुझे शहर बुला रहे हो और शहर वाले सारे रोज इधर आ रहे हैं, तुम कंधों पे उठा के रोज उन्हें इधर लाते हो और मैं शहर चला जाऊं? तो बादशाह की बोलती बंद हो गई। ये बहलोल भी इसी कबीले का फर्द था। दजला के किनारे मिट्टी के घरौंदे पांव पे बनाता और उन्हें मिस्मार कर देता है। वो कभी आपने देखा होगा कि बच्चे रेत में अपना पांव रख करके ऊपर से रेत थपक लेते हैं और फिर पांव होले से निकाल लेते हैं, बच जाए तो बड़े खुश होते हैं, और जब खेल खत्म हो जाते हैं तो उसे गिरा देते हैं अपने हाथों से। बहलोल भी इसी शुगल में लगा हुआ है। बहलोल ये काम कर रहा, घरौंदे बनाता है गिराता है, घरौंदे बनाता है गिराता है। बादशाह गुजरा, पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? हंस के कहा, जन्नत के मकान बना रहा हूँ। कहा, बेचते हो? हाँ बेचता हूँ। कितने का? 10 रुपए का। सेल लगाई हुई है। बादशाह मुस्करा के गुजर गया। दीवाना है, मजनू है, अपनी मौज में लगा है। पीछे से मलिका जुबैदा भी आ रही थी, उसने भी देखा। कहा, बहलोल क्या कर रहे हो? कहा, जन्नत के मकान बना रहा हूँ। कहा, बेचते हो? हाँ 10 रुपए का बेचता हूँ। 10 रुपए बादशाहों के लिए क्या होते हैं? 10 दिरहम निकाले, उसको दिए, उसने दरियाए दजला में फेंक दिया। फकीर उतनी देर तक फकीर नहीं बनता। दाता साहब फरमाते, जब तक मिट्टी का ढेला और सोने की डली उसकी नज़र में बराबर नहीं हो जाता। और एक मकान के गिर्द, एक वो घरौंदे के गिर्द दायरा लगाया। कहा, ये तेरा हुआ। मलिका गुजर गई, बादशाह भी चला गया। शाम को अपने महल में पहुंचे। बादशाह सोया, मंजर जागा के हशर का दिन है, फिर जन्नत का मंजर है। जन्नत में बड़े बड़े खूबसूरत मकान है। एक मकान तो बड़ा ही अच्छा लगा, तो जी चाहा कि इस मकान को देखूं। तो जब करीब गया तो दरवाजे पे लिखा था मलिका जुबैदा। शौक से आगे बढ़ा तो दरबान ने रोक दिया। कहा, यह मलिका का है? कहा, वो मेरी ही मलिका है। कहा, दुनिया के जाबते और हैं, आखरत के जाबते और हैं। बादशाह की आंख खुल गई, बेचैन हो गया। मलिका को बेदार किया, कहा, तू कौन सा नेक अमल किया है? मैंने जन्नत में तेरा यूं माल देखा। मलिका कहने लगी, वही मामूल की नमाजें, वही सब कुछ, कोई नया काम तो मैंने किया नहीं। हाँ याद आया, कल गुजर रही थी, दजला का किनारा था, वो जिसे लोग मजजूब कहते हैं, वो जो दीवाना कहलाता है,
वो बहलोल वो जन्नत के महल कहता था, वह बना रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फ़कीर है, 10 रुपये क्या होते हैं। तो मैंने 10 रुपये का एक महल ख़रीदा था, बादशाह सर पकड़ के बैठ गया, वो तो मुझे भी कहता था। मैं दीवाने की बात समझ के गुजर गया। अगले दिन बादशाह कसदन गुजरा। जब कसदन गुजरा ना तो दिल धड़क रहा था कि कहीं मजजूब फिर आज मिल जाए और उसी मौज में हो तो काम बन जाए। देखा तो बहलोल वहाँ बैठा हुआ है, आगे बढ़ के देखा तो काम भी वही। बादशाह फिर रुक गया, पूछा अब बहलोल क्या कर रहे हो। अब दिल धड़क रहा था कि मजजूब है, कोई और बात कह दे तो चलो अच्छा हो कि वही जवाब दे दे। उसने वही जवाब दिया, जन्नत के महल बना रहा हूँ। बादशाह का कुछ दिल ठहरा, फिर कहा अच्छा बेचते भी हो। हाँ हाँ बेचने के लिए बना रहा हूँ। बादशाह उधर जेब में हाथ डाल रहा है और उधर पूछ रहा है कितने का। कहा आधी हुकूमत लगेगी। कहा कल तो 10 रुपये के बता रहे थे। कहा कल तुमने देखा नहीं था, आज सौदा देख के ले रहे हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशिया रहमान बिल गैब। जो अनडिठे सौदे करते हैं, जो बगैर देख के करते हैं। अच्छा चलो, जुनैद बगदादी दजला के किनारे जा निकले और आपके शागिर्द भी थे आपके साथ, तो वहाँ बहलोल मिले। बहलोल एक मजजूब थे, तो कहा कि चलिए इनसे ज़्यादा बात करते हैं। तो शागिर्दों ने कहा ये तो एक दीवाना शख्स है और आप इससे क्या मिलेंगे, आप इतने पढ़े लिखे आलिम और इतने बड़े फकीह और सूफी, और एक दीवाने शख्स से आप मिलेंगे। दुनिया उसको दीवाना कहती थी, बहलोल दीवाना। लेकिन सादी बोले कि सादिया नज़दीक राय आशिकां, खल्क मजनू नंदो मजनू आकिल अस्त। कासल तो आकिल ये लोग हैं। तो खैर हज़रत जुनैद बगदादी गए और बहलोल को सलाम किया, कहा कि आप कौन हैं। तो कहा मैं जुनैद बगदादी हूँ। तो कहा क्या करते। कहा कि मैं पढ़ने पढ़ाने की जिम्मेदारियों में लगा हूँ। तो आपने फरमाया कि खाने के आदाब जानते हो। कहा कि हाँ, हाथ धोए जाएँ, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाए, छोटा लुकमा लिया जाए और चबा चबा के खाया जाए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। तो बहलोल कहने लगा कि मैं तो आपको बहुत बड़ा आलिम समझता था, आप तो खाने के अदब को भी नहीं जानते। और अपना कपड़ा उठाया, झाड़ा और एक जानब चल दिया। शागिर्दों ने कहा हमने आपको कहा था कि इस शख्स के पीछे जाने का क्या फ़ायदा, ये तो दीवाना शख्स है। तो कहा नहीं, मैं इसके पीछे चलता हूँ। फिर आप उसके पीछे भागे। तो फिर बहलोल ने पलट के देखा, कहा कि कौन हो। कहा कि मैं जुनैद हूँ, आपको मिलने आया हूँ। तो आपने फिर एक सवाल किया, गुफ्तगू लंबी हो जाए। तीसरी मरतबा भी जब वो अपना दामन झाड़ के गुजरे तो फिर आप आगे बढ़े। उन्होंने पूछा कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं एक आम सा शख्स हूँ, तो आपके पास जो है वो सीखने आया हूँ। तो कहा कि मैंने तुमसे पूछा था कि खाने के आदाब क्या हैं, तो तुमने ये बताया था। कहा जी मैंने तो यही पढ़ा है और मैंने यही बताया है। तो कहा खाने का सबसे पहला अदब यह है कि लुकमा हलाल का हो, बाकी लुकमे छोटे छोटे तोड़ के खाए या चबा चबा के खाए या जो है वो पानी पहले पिए या बाद में पिए। कहा ये बातें बात की है, सबसे पहला अदब खाने का यह है कि लुकमा तैयब हो, लुकमा ताहिर हो, लुकमा पाकीजा हो। अल्लाह अकबर। तो हमारे रब ने हमें पाकीजा रिज़्क़ खाने की तलकीन फरमाई है। तो मैं दरियाए दजला के किनारे हज़रत सिर्री सख्ती के मज़ार पे हाज़िर हुआ, तो हज़रत जुनैद बगदादी और हज़रत शेख शिबली के मज़ार पे, हज़रत जुन्नून मिस्री के मज़ार पे और दीगर मज़ार, ये सारे दजला के किनारे वाक़िया हैं। तो वहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो हमने उन बच्चों से पूछा कि यहाँ कोई और मज़ार भी है। तो उन्होंने इशारा करके बताया कि आप इस समत जाएँ तो आगे बहलोल दाना का मज़ार है। तो शौक था तो हम वहाँ गए, तो बहलोल दाना का मज़ार था, बाहर लगा हुआ था बोर्ड, तो शिकस्ता सा मज़ार था। हम अंदर दाखिल हो गए तो मैंने बहलोल दाना की कब्र देखी कि उसकी कब्र के ऊपर जो गुलाफ पड़ा हुआ था वो भी आधा था और फटा हुआ था। मैंने कहा फ़कीरों की जो अलामतें होती हैं वो मरने के बाद भी पाई जाती हैं, आज भी मजजूबियत का रंग उसकी कब्र पर नमाया है। और मैंने दोस्तों को कहा जो मेरे साथ थे, मैंने कहा देखो को जो होते हैं ना मजजूब, बाज़कत कपड़े भी वाजबी होते हैं उनके ऊपर, तो ये देखिए कि इसका गुलाफ भी जो है वो आधा है और वो भी जगह जगह से फटा हुआ है, तो इसकी कब्र भी इसके जज्ब की कहानी सुना रही है। तो ये दरियाए दजला के किनारे घूमता था और लोग
इससे मिलते तो जो इसकी जुबान से निकलता वो पूरा हो जाता। तो एक दिन दरियाए दजला के किनारे ये घूम रहा था कि हारून रशीद अपने मकान की, अपने महल की छत पे टहलते टहलते बहलोल को देखता है। तो खादिमों को कहा कि जरा इसे मेरे पास हाजिर करो। शाही हुक्मनामा था, जो छत के ऊपर खादिम थे उन्होंने ऊपर से डोली फेंकी और नीचे वालों को इशारा दिया। उन्होंने बहलोल को पकड़ा और डोली में रख दिया, ऊपर वालों ने रस्सियां खींच ली। दो लम्हों के बाद बहलोल बादशाह के सामने था। तो बादशाह ने बहलोल से कहा कि बहलोल एक बात तो बताओ। कहा पूछिए। कहा आप खुदा तक कैसे पहुंचे हो? तो बहलोल ने मुस्करा के कहा जैसे आप तक पहुंचा। अल्लामा इकबाल ने जो मर्द कलंदर की निशानियां बताई हैं उनमें से एक निशानी ये है, बात में सादा व आज़ादा, मानी में दकीक, कि उसकी बात बहुत लंबी और लच्छेदार और गुच्छेदार नहीं होती, सीधी सीधी बात होती है लेकिन सीधी रूह में उतरती है। मुख्तसर और जाम कलाम का हामिल होता है अल्लाह का बंदा। तो कहा कि बादशाह जैसे आप तक पहुंचा। तो बादशाह का तो ख्याल था कि कोई बड़ी बारीक बीनी से कोई फलसफा बताएगा, लेकिन ये दो लफ्जों में इसने कह दिया जैसे आप तक पहुंचा। बादशाह ने कहा मैं नहीं समझा। कहा बात तो सादा सी है, तेरी अक्ल में ना आए तो मैं क्या कह सकता। कहा हजरत आप समझा दीजिए। तो बहलोल ने कहा कि हजरत मैं खुद आना चाहता तो दीवान खाने में जाता, दरख्वास्त लिख के ले जाता, फिर जमा होती, फिर कई वास्तों से होते हुए आप तक पहुंचती, आप फिर मुझे वक्त देते मुलाकात का 6 माह बाद, साल बाद, उस वक्त पे मैं तैयार हो के मुलाकात करने आता, आपके कुछ शाही मेहमान आ जाते तो फिर मुलाकात मंसूख हो जाती, फिर भी आपकी मर्जी मुलाकात होती ना होती, मैं चाहता तो महीने साल लग जाते, लेकिन मुलाकात फिर भी आपकी मर्जी पे, और जब आपने चाहा है तो 2 घड़ियां भी नहीं लगी। तो कहा बंदा चाहे तो करोड़ों साल भी बीत जाएं, उसके कुरब की कोई इंतहा नहीं है, लेकिन जब वो चाहे तो 2 घड़ियां भी नहीं लगती। माना कि मोहब्बत के सफर में हर गाम पे 100-100 मुश्किल है, लेकिन ये सफर आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। तो कहा कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहबिबकुम अल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो आसान तरीका तो मैं बता देते हैं, मेरे महबूब की चौखट पे आ जाओ, अल्लाह अकबर, जिसको तुम ढूंढने निकले थे वो तुम्हें वहाँ मिल जाएगा, और तुम उससे मोहब्बत का दावा रखते थे वो तुमसे मोहब्बत का दावा करेगा, और फिर जब तुम उसके महबूब हो जाओगे तो फिर जो तुम कहोगे वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि महबूबों की तो बात मानी जाती है। कोई जजीरा था, वहाँ का सियासी नज़्म ये था कि साल की आखिरी तारीख को जो उनका मौजूदा बादशाह होता उसको जंगल में छोड़ते और नया बादशाह लेने के लिए वो साहल पे आ जाते। जो पहला शख्स साहल पे उतरता उसको अपना हुक्मरान मान लेते, जो भी हुक्मरान बन जाता वो खुश हो जाता, हालांकि उसको बता देते कि 1 साल के लिए तुझे मुंतखब किया है, साल की आखिरी तारीख को तख्त से उठाएंगे, बांधेंगे, जकड़ेंगे, और इसी जजीरे के दूसरे किनारे एक जंगल है जहाँ खारदार झाड़ियाँ और मूजी जानवर है, वहाँ तुझे फेंक देंगे। वो भूल जाता, कहता देखी जाएगी, और साल की आखिरी तारीख जब वो रस्सियाँ और जंजीरें लेके आते तो वो परेशान हो जाता कि आंख झपकने में साल गुजर गया, पता ही नहीं चला। फिर रोता हुआ चीखता हुआ उस जंगल में जाता और लोग उसको छोड़ के आ जाते और दरिंदों का रिस्क बन जाता। और जो भी आता उसने कभी इनकार नहीं किया था। पहली बार ऐसा हुआ कि जिस शख्स को इन्होंने हार डाले, गॉड ऑफ आनर दिया, ताजीम तकरीम दी, सैल्यूट किया, उसने कहा ये सब क्या है? कहा कि आज के बाद तू हमारा हुक्मरान है। कहा मैं तो उमूर सल्तनत नहीं जानता, मैं तो ताजर आदमी, चीज़ें बेचने आया हूँ। कहा कि हमारा उसूल यही है कि साल की पहली तारीख को पहला शख्स जो जजीरे पे कदम रखता है वो हमारा हुक्मरान होता है। उसने कहा मैं तो उमूर सल्तनत को नहीं जानता, तो ये किस तरह जिम्मेदारी कबूल कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि तुम्हें करना होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमारा ये कानून है, ज़ाबता है, और ये भी बता दें कि साल की आखिरी तारीख को तुझे इसी जंगल के दूसरे किनारे छोड़ आएंगे जहां मूजी जानवरों का रेन बसेरा है। तो उसने कहा अगर अंजाम इतना दर्दनाक और ख़तरनाक है फिर तो मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा तू चाहे ना चाहे बांध के भी तख्त पे बिठाना पड़ा तुम्हें बिठाएंगे।
उसने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि साल बाद मेरी बात मानोगे या नहीं। उसने कहा कि हाँ, कानून में तू तरमीम नहीं कर पाएगा, लेकिन ये होगा कि तेरे इंतजामी हुक्म हम मानने पर मजबूर हैं। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा हुक्मरान बनने के लिए तैयार हूँ। रूमी बोलते हैं कि जब भी कोई शख्स तख्त नशीन होता तो वो भूल जाता कि मेरे 7 साल की आखिरी तारीख में क्या होने वाला है। वो ऐशोशरत करता और यूं वक्त गुजारता, साल की आखिरी तारीख आंख झपकने में आ जाती। लेकिन ये पहला शख्स था, तख्त नशीन होते इसने पहला हुक्मनामा जारी ये किया कि कमांडोज बुलाए जाएं। बुलाए गए, कहा उस जंगल में चले जाओ जहां तुम बादशाहों को फेंक के आते हो और वहां के मूजी जानवर काट डालो। फिर बल्दिया के मुलाजमीन बुलाए, कहा जाओ जाके वहां की झाड़ियां काटो। फिर मेमार बुलाए, कहा जाके वहां महल तैयार करो। कुछ लोगों को बुलाया, कहा जाके वहां फूल लगाओ, फलदार दरख्त लगाओ, सायादार शजर लगाओ। पूरी हुकूमती मशीनरी उस जंगल को कटवाने, वहां के मूजी जानवर कत्ल करवाने और वहां खूबसूरत महल बनवाने, कुएं खदवाने और फलदार दरख्त लगवाने में सरफ कर दी। अब साल की आखिरी तारीख को जब वो जंजीरें लेकर आए तो इसने कहा कि मुझे क्यों जकड़ते हो, मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि ये इस तख्त पे आराम से ना बैठा, यहाँ बैठ के तैयारी वहाँ की करता रहा जहाँ इसने जाना था। काफिर और फासिक दुनिया के तख्त पे ऐश करता है, भूल जाता है कि मैंने कहाँ जाना है, और साले मोमिन इस तख्त पे आराम से नहीं बैठता, जहाँ जाना है उसके लिए तैयारी करता रहता है। और जब जनाजा उठता है तो वो कहता है अज्जलू भी वला तुअख्खिरू भी, देर ना करो, मुझे जल्दी ले जाओ, मेरा तो वहाँ इंतज़ार हो रहा है। और फिर जब वो वहाँ पहुँचता है तो अल कब्रो रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्ना, वो जन्नत के बागों में से बाग बन चुकी होती है। वो सारे थोर, सारी झाड़ियाँ, सारी आग और वहाँ के सारे भड़कते हुए शोले बुझा चुका होता है। अपने आमाल के लश्कर भेज भेज के हमने देखना है कि हम यहाँ आखरत के लिए कुछ भेज रहे हैं कि यहीं सब कुछ लुटा रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाना होता है, तो एक दफ़ा मैं इटली गया तो वहाँ एक शहर में मुझे कुछ दोस्त ले गए, तो वो छोटा सा घर था तो 20 से 30 लोग वहाँ रह रहे थे। तो मैं बड़ा हैरत ज़दा हुआ, तो मैंने कहा कि आप यहाँ तंग सी जगह पे 20-25 लोग रह रहे हैं तो इतनी मुश्किल में क्यों रह रहे हैं, तो कोई बड़ा सा घर ख़रीद लें, आसूदा रहें। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप हमारे इलाके में जा के देखें, 5-5 किनाल के घर हमने वहाँ शुरू किए, हम यहाँ कमाई करने आए हैं, ऐश करना थोड़े आए, हम तो चंद सालों के लिए आए हैं, इसलिए हम यहाँ से कमाते हैं, भेजते वहाँ है जहाँ हमने हमेशा जा के रहना है। मैंने कहा यही तो मैं समझाने आया हूँ, जहाँ जितना रहना है वहाँ का इंतज़ाम भी उस हिसाब से करो। हुजूर ने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब और आबिर सबील, दुनिया में ऐसे रहो जिस तरह मुसाफिर अजनबी रहता है। दुनिया पर जीना लगा के बैठ जाओ, चंद दिन के लिए आए हो, ये आखरत की खेती है, दारुल अमल है, वो आखिर दारुल जज़ा है। तो कबल इससे कि वो वक्त आए हाथ मलते रह जाएं, तौबा का दर खुला है, सूरज अभी मगरब से तुलू नहीं हुआ, अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, उठे हुए हाथ वो मोड़ता नहीं, खाली नहीं फेरता, तो उसकी दहलीज, उसका दर, उसकी चौखट ना छोड़ना। और आज गौर करना कि हम खड़े कहाँ हैं, और कायनात का सारा हुस्न हुजूर के कदमों में है। तो कहा महबूब मुझे कसम तेरे ज़माने की, इंसान खसारे में। अब इंसान तो खसारा मानने को तैयार नहीं है, वो कहता मैं तो खसारे में नहीं हूं, मैं तो हवाओं के दोष पे उड़ता हूं, मैं तो कायनात को नक्शीर बनाया हुआ, जमाना मेरा बाज गुजार है, सितारों पे कमंदे मैं डाल चुका हूं, मैं अपनी जिंदगी को आसाइशों से भर लिया हुआ है, कहां वो घास फूस के झोंपड़े और कहां आली नस्त कोठियां, कहां खाने के लिए नाने शबीना भी मुयस्सर नहीं था, और कहां इतने खाने के इंतखाब मुश्किल हो जाता है, कहां पैवंद लगे हुए कपड़े और कहां इतने लिबास हैं कि बदलने की बारी नहीं आती है। तो मैं तो खसारे में नहीं हूं, मैं तो हवाओं के दोष में उड़ता हूं, मैं तो समुंदर की तहों में उतर जाता हूं, मैं तो पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना लिया हुआ है, मैं तो कायनात का सारा हुस्न कशीद कर लिया है, मैं तो खसारे में नहीं। अल्लाह कहता है महबूब मुझे कसम तेरे जमाने की, ये खसारे में है, ये खसारा मानने को तैयार नहीं। और अल्लाह कहता है महबूब मुझे तेरे जमाने की कसम, ये खसारे में। तो इमाम राजी फरमाते हैं
आप फरमाते हैं जो खसारा है यह इंसानियत का है, अगर यह हवाओं के दोष पे उड़ता है तो यह इंसान का कमाल नहीं है, यह तो चिड़िया भी उड़ती है, यह तो मक्खी भी उड़ती है, अगर यह पानी में तैरता है तो यह तो मछली भी तैरती है, अगर इसने आसाइशें और सहूलतें अपने लिए तलाश कर ली हैं तो वो तो दूसरी मखलूकात को भी हासिल है। तो इंसान का खसारा है इंसान का, ये जो उरूज जिसकी ये कहानी सुना रहे ये हैवानियत का उरूज है, इसकी इंसानियत कहां गई? हवाओं के दोष पे तो उड़ता है लेकिन मन की दुनिया से तो ना आशना है, ये सितारों पे कमंदे तो डाल रहा है हमसाय की तो खबर नहीं से, ये दुनिया के ऊपर बड़ा बाखबर शख्स है लेकिन उससे जो है वो अपने मन की खबर भी नहीं है। हमारा नरम रव कासत पयामे जिंदगी लाया, खबर देती थी जिनको बिजलियां वो बेखबर निकले, ये तो मन से ना आशना है, कहां गई इसकी इंसानियत? ये हवाओं में उड़ता है, अगर चांद की छाती पे कदम रख चुका है वहां से खाक ला के दिखाता फिरता है कि ये मैंने जो चांद से खाक जो है वो इकट्ठी की थी और ये देखो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, तो जमीन पे पहले थोड़ा बोझ था कि और खाक ले आया, इंसानियत को इसका क्या फायदा हुआ? ये इंसानियत का उरूज नहीं है, इंसान तो खसारे में है, इंसानियत तो डूब रही है। घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे, इसकी इंसानियत कहां गई? ये भाई हो के भाई का गला नहीं काट रहा, कहां गई इसकी इंसानियत? कहा महबूब मुझे कसम है तेरे जमाने की ये खसारे में है, और कसम महबूब के जमाने की इसलिए फरमाई कि महबूब के जमाने में इंसान उरूज पे था, इंसान नुक्ता कमाल पे था। उस दौर का इंसान देखना हो तो अबू बकर उमर को देखो, तो कहा महबूब मुझे कसम तेरे जमाने की ये इंसान खसारे में, अगरचे ये हवाओं के दोष पे उड़ता है लेकिन इसकी इंसानियत लुट चुकी है, और अगर इसने इंसान देखना है तो महबूब आए तेरे दौर में, ये तो भाई भाई का गला काट रहे, खून सफेद हो गया, एक्सीडेंट में जो बच जाते हैं वो मरने वालों की घड़ियां उतारते हैं, इसकी तो हालत इंसानी जो है वो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन हुस्न देखना है इंसानियत का तो आए तेरे दौर में। जब एक शख्स जख्मों से चूर तड़प रहा है और कहता है अल्लाह हाय मुझे प्यास लगी है, एक बंदा कहीं से पानी का प्याला लिए उसकी प्यास बुझाने के लिए आगे बढ़ता है और उसको पानी देता है और वो भी होठों तक ले आता है कि दूसरी तरफ से आवाज आती है अल्लाह, तो ये प्याला उसी वक्त पीछे कर देता है और कहता है मेरे भाई को शायद ज्यादा प्यास लगी है, पहले उसे दे दो मुझे बाद में देना, और ये जब उसके पास जाता है और वो पानी पीने लगता है तो तीसरी जगह से आवाज आती है, ये उसे पानी देता है तो चौथी जगह से आवाज आती है, हत्ता कि सात अशखास के पास पानी लेके जाता है और हर एक आगे तरजीह देता है, और जब वो सातवें शख्स के पास पहुंचता है तो पहले के कराने की आवाज बढ़ जाती है, ये कहता है पीछे भाग पहले उसे पानी दे, और जब ये पलट के आता है तो उसकी रूह परवाज कर जाती है, फिर दूसरे के पास जाता है तो उसकी रूह परवाज कर जाती है, पानी का एक प्याला और सात आदमी जिंदगी और मौत की कश्मकश में नजा का आलम और एक दूसरे को तरजीह दे रहे हैं। कहा यह था हुस्न इंसानियत का, महबूब जो तेरे जमाने में था मुझे कसम तेरे जमाने की ये इंसान खसारे में है, अगर खसारे से बचना है तो दामन मोहम्मद का थामना हो। इल्लल्लज़ीना आमनू का बयान इस पे गवाही दे रहा है, तो ये इंसान का खसारा है, इंसानियत का खसारा है। शेखज़ादा ने बैजावी के हाशिए में एक और खसारे का पहलू बयान किया, हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आप फरमाते हैं खसारा ये है, ये इंसान की जो सांसें, हम लम्हा लम्हा समझते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं लेकिन हम मौत के करीब हो रहे हैं, ये सांसें मौत की तरफ बढ़ने वाले कदम है, तो ये है इंसान का खसारा जो अपनी सांसों के जरिए कर रहा है। इमाम राजी लिखते हैं कि एक शख्स फट्टे पे रख के बर्फ बेच रहा था और एक बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे इन्नल इंसान लफी खुस का तर्जमा समझ में नहीं आता, जब अल्लाह करम नवाजी फरमाने लगे तो फिर हिदायत के सामान उसके लिए बनते चले जाते हैं, और जब किसी की बेहतरी का अल्लाह इरादा न करे तो उसे कुरान से भी हिदायत नहीं मिलती। तो वो कहते हैं मैं गया बाजार में, समरकंद का बाजार था, वहां एक आदमी फट्टे पे रख के बर्फ बेच रहा था और आवाज क्या लगा रहा था, तवज्जो चाहूंगा, कह रहा था इरहमू मन यजूबो रासो मालेही,
और मेरे पे रहम करो, मुझसे बर्फ ले लो। अगर तुमने बर्फ खरीदने में देर कर दी तो मैं कमाई क्या करनी है, जो मैंने पैसे लगाए हैं वो भी मेरे लुट जाएंगे, मेरा रासुल माल भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बर्फ ऐसा सौदा है कि अगर गाहक वक्त पे ना पहुंचे तो नुकसान हो जाता। कोई और चीज है, आज नहीं बिकी तो कल बेच लेंगे, कल नहीं तो परसों बेच लेंगे, लेकिन बर्फ का अगर गाहक वक्त पे ना आया तो कमाई क्या करनी है, रासुल माल भी लुट जाएगा। तो वो जाने वालों को कह रहा था, इरहमू मैं यजूब रासुल माल ही, ओ मेरे पे रहम करो, मुझसे बर्फ ले लो, अगर तुमने देर कर दी तो मेरा असासा भी लुट जाएगा, मेरा रासुल माल भी बर्बाद हो जाएगा। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, जब उसने ये बात कही तो मुझे इन्नल इंसान लफी खुसर का तर्जमा समझ में आ गया। मैंने कहा कि हम भी अपने सांसों की बर्फ को पिघला रहे हैं, और कतरा कतरा जिस तरह बर्फ पिघलती है, सांस सांस करके जिंदगी पिघल रही है। अगर जल्दी जल्दी इन सांसों के बदले में नेकियां ले लेते हैं तो ये जिंदगी बच जाएगी, वरना ये जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है। इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान खसारे का सौदा कर रहा है, लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहा है। ये समझ रहा है मैं बड़ा हो रहा हूं, लेकिन ये छोटा हो रहा है। जब गिनती उल्टी शुरू हो जाए तो काम जल्दी जीरो पर आ जाता है, किसी की 60 से, किसी की 70 से, किसी की 100 से गिनती उल्टी शुरू हो, और लम्हा लम्हा हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इंसानियत का खसारा है। एक मुफस्सिर हुआ तबा तबाई, है तो वैसे डामाडोल, लेकिन बात बड़ी पते की लिख गया। वो कहता खसारे का एक और पहलू भी, और इस पर मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो भी चाहूंगा। वो कहता है खसारा ये है कि अल्लाह ने एक शय को एक हुस्न दिया है तो दूसरे हुस्न से उसे महरूम रखा है, तो वो शय कहती है कि मैं खसारे में। उसकी मिसाल वो कहता है ये फूल हैं, इनमें खुशबू है लेकिन रोशनी नहीं है, अंधेरे में आप इनसे चरागा नहीं कर सकते, तो फूल कहेंगे हम खसारे में, हमारे में खुशबू तो है लेकिन रोशनी नहीं। चांद में रोशनी है लेकिन उसमें खुशबू नहीं है, तो चांद कहता है मैं खसारे में, कि मेरे में रोशनी तो बड़ी है, मेरे दम से कायनात में उजाले तो फैल जाते लेकिन खुशबू नहीं है, मैं खसारे में। एक बच्चा कहता है मेरे में बचपने की मासूमियत तो है लेकिन जवानी का बांकपन नहीं है, लिहाजा मैं खसारे में। एक जवान कहता है मेरे में जवानी का हुस्न तो है लेकिन बुढ़ापे का तजुर्बा नहीं, लिहाजा मैं खसारे में। और एक बूढ़ा कहता है कि मेरे में बुढ़ापे का तजुर्बा तो है लेकिन अब बचपने की वो मासूमियत का, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। और इकबाल कहता है, आपके शहर इकबाल में आया हूं, वो कहता है कि जुम्बशे जंजीरे दर से लुत्फ आता था मुझे, वो कुंडी भी हिलती थी तो उससे भी लुत्फ आ जाता था, आज तो नगमे भी नहीं ना बहलाते, लेकिन उस बचपन में कुंडी के हिलने से भी लुत्फ आ जाता था तो गम भूल जाया करते थे। वो क्या किसी ने कहा था कि अपने जल जाने का भी एहसास नहीं था, जलते हुए शोलों को छेड़ा करते थे, अब तो एक आंसू भी रुसवा कर जाता है, बचपन में जी भर के रोया करते थे, अब तो वो रोने का हुस्न भी नहीं ना रहा। तो कहा कि मेरे पास बुढ़ापे का तजुर्बा तो है लेकिन बचपने की मासूमियत नहीं है, लिहाजा मैं खसारे में हूं। एक शब्द जिंदादार कहता है कि मेरे पास सहरी के आंसू तो हैं लेकिन इल्म का बांकपन नहीं है, और एक आलिम कहता है कि मेरे पास इल्म के कमाल तो हैं लेकिन तहज्जुद के सजदे नहीं हैं, लिहाजा मैं खसारे में हूं। बुलबुल कहती है मेरे लहजे में तो हुस्न है लेकिन मेरे बाजुओं में ताकत नहीं है, लिहाजा मैं खसारे में हूं। शेर कहता मेरे बाजुओं में तो ताकत है लेकिन मेरे पर नहीं है कि मैं उड़ सकूं, लिहाजा मैं खसारे में हूं। कोयल कहती है मेरे लहजे में तो जादू है लेकिन रंग मेरा काला है, लिहाजा मैं खसारे में हूं। मोर कहता मेरे परों में तो हुस्न है लेकिन मेरे पांव बदसूरत हैं, लिहाजा मैं खसारे में हूं। तो वो कहता है कि कायनात की हर शय किसी ना किसी तरह खसारे में है, लेकिन फिर कहता है अगर तुम्हें शौक हो कि एक जात ऐसी भी देखें जिसमें खसारा ना हो तो आओ मदीने की गली में आ जाओ, हुस्न की सारी शौकियां, जमाल के सारे करीमे और हुस्न का सारा बांकपन अगर एक जात में देखने का शौक आ जाए, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैसा दारी हमा दारंद आंचे खूपा तो तन्हा दारी। कायनाते हुस्न जब फैली तो ला महदूद थी और जब सिमटी तो तेरा नाम बन के रह गया। अगर ये शौक हो कि कायनात के सारे हुस्न एक पैकर में देखें तो कहा उसके लिए मैंने एक मोहम्मद ही बना दिया,
सारे हुस्न एक पैकर में आपको मिलेंगे, सारे कमाल और सारे जमाल और सारे उरूज और सारी इज्जतें और सारे मरातब आपको एक जात में जमा मिलेंगे। और मोहम्मद होता ही वो है जो मजमा कमालात हो। तो कहा कि ये है एक खसारे का पहलू, और कायनात में एक ही शख्स है जो खसारे से बचा हुआ है। अब जो इस जात से वाबस्ता होगा वो भी खसारे से बच जाएगा। इल्लल्लज़ीना आमनू, जिसके हाथ में ये दामन हो वो खसारे से बच जाएगा, वरना खसारे से कोई बच नहीं सकता। ना दौलत बचा सकती है, ना इक्तदार की बिछी हुई मसंदें खसारे से बचा सकती है, ना कोई और इंसान को दुनियावी कमाल खसारे से बचा सकता है। अगर खसारे से बचना है तो हाथों में दामने मुस्तफा लेना होगा। वो कभी आपने देखा होगा, अब तो वो दौर बदल गया है, वो चक्की होती थी जिसमें वो गंदम पीसते हैं मुख्तलिफ चीजें, तो उसके दो पत्थर होते हैं, एक नीचे वाला साकिन, ऊपर वाला मुतहर्रक, तो दरमियान में उसके एक किल्ली होती है जिसके इर्द गिर्द उसको घुमाते हैं। तो वो जो दाने हैं वो दरमियान खाली जगह में डालते हैं, उसको गाला कहते हैं, उसमें डालते हैं और फिर उस चक्की को घुमाते हैं। तो जो दाने उस मरकज से, उस किल्ली से हट जाते हैं वो पिस जाते हैं, और जो उस किल्ली से लग के रहते हैं वो बच जाते हैं। कहा महबूब मुझे कसम तेरे जमाने की, इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, बचेगा वो जो तेरे दामन से लिपट जाएगा। और ये मैं मफहूम ईमान का जो आपके सामने दामने मुस्तफा से तमस्सुक इख्तियार करना, ये मेरी जज्बातियत का कमाल नहीं, हकीकत ही है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अलैहि रहमा शरह क़ाइद में लिखते हैं कि ईमान है क्या। आप फरमाते हैं अल ईमान है या तस्दीक बेमा जा बेहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के अलावा ईमान हो ही नहीं सकता है, ये मुमकिन ही नहीं। और ये बात भी जहन में बिठा लें कि हुजूर से जहनी ताल्लुक का नाम ईमान नहीं है, हुजूर से कल्बी ताल्लुक का नाम ईमान है। और ये मेरे मसलक की पहचान है, सिर्फ जहनी ताल्लुक का नाम ईमान नहीं है, कल्बी ताल्लुक का नाम ईमान है। इसको मजीद सहल करूं तो हुजूर को नबी जानने का नाम ईमान नहीं है, नबी मानने का नाम ईमान है। वरना कितने लोग थे जानते थे लेकिन ईमान ना लाए। अल्लज़ीना आतैनाहुम किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबना, जिनको हमने किताब दी वो ऐसे जानते थे जितना बेटों को जाना करती, लेकिन इसके बावजूद ईमान नसीब नहीं हुआ। ईमान जानने का नाम नहीं है, ईमान मानने का नाम है। फूल को बुलबुल जानती नहीं, मानती है। अगर मानती ना होती तो फूल के गिर्द रख से बिस्मिल के तमाशे ना करती। शमा को जानते सारे हैं लेकिन मानता सिर्फ परवाना है। तो ईमान जानने का नाम नहीं है, ईमान मानने का नाम है।